हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से आने का। तो इस टॉपिक को बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। एक्चुअली हमने सारा चीज़ समराइज कर दिया है यहाँ पे, तो बस मुझे बताना ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में लगभग 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। उस नाइट्रोजन को 78% नाइट्रोजन को किसी तरह से हमें क्या करना होता है, मतलब है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें प्लान जो होता है वो बेसिकली वो नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो हमें क्या करना होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, या इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो आगे की प्रोसेस में, मतलब आगे की मेटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को हम पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया से हम क्या करते हैं, अमोनिया जो प्लांट बॉडी, मतलब प्लांट बॉडी है या प्लांट सेल है, वो डायरेक्ट अमोनिया को मेटाबॉलिक रिएक्शन में नहीं लेता है, तो इसलिए वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और बाकी सारे वो अमोनियम आयन से, मतलब अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन, वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये डायरेक्ट क्या करता है, प्लांट अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज नहीं कर सकता, इसलिए इसको भी अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अमोनिया में कन्वर्ट करके इसको अमोनियम आयन कन्वर्ट कर, फिर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कुछ। अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, या कैसे नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट किया जाता है या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या करता है, वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन से या इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जिसको हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं, उसके थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये नाइट्रेट क्या करता है, प्लांट अपटेक करता है, और प्लांट अपटेक करके अपना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। उस प्लांट को अपटेक करने वाले या खाने वाले एनिमल होते हैं। ये एनिमल और प्लांट जब ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, इस पर बैक्टीरिया वर्क करते हैं और फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, इस अमोनिया से फिर से नाइट्राइट में, या मतलब नाइट्रेट में, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है और प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, हमने नाइट्रोजन साइकिल देख लिया। हाँ, एक चीज़ और है, उसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उसको लाइटनिंग के थ्रू, मतलब जो थंडरिंग होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, मतलब उसके थ्रू भी हम डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको कोई भी, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें नाइट्रोजन एंजाइम नहीं है, वो इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता नाइट्रोजन को। उसको क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन को हमें ब्रेक डाउन करके अमोनियम फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। वो करता है एक विशेष एंजाइम जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। अब ये सारे सेल्स नाइट्रोजन को सारे सेल्स क्यों नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि आपको जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, उससे कम उसका डबल लेंथ, जो डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, सबसे कम जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड क्या, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इसके बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, और वो इस बॉन्ड को तोड़ना, मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए
इसको नॉर्मल सेल्स तोड़ नहीं पाते, तो नेचर ने नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाया जो ओनली और ओनली प्रोकैरियोटिक्स के पास होता है। ये देखिए हमने लिखा है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही ओनली पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स का सेल्स जो होते हैं नाइट्रोजन की कमी को प्लांट को अपना फूड के रूप में यूज करके ही कंप्लीट कर पाएंगे, वो डायरेक्ट इससे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से और नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे, चाहे उससे अपटेक कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम बेसिकली कैसे कन्वर्ट करता है अमोनिया को, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब वो क्या करता है, डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लेता है हमें हमारे एग्जाम में, नीट में। तो आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन और 16 एटीपी मिल करके जो नाइट्रोजन है उसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 16 एटीपी प्लस 16 इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसको एज इट इज आपको याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन में कितने एटीपी का यूज होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि 16 एटीपी यूज हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन के लिए हमें 8 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। अब फर्दर हम ये प्रोसेस आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसा हमने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो दो को कंसीडर करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स का ये सोल मेंबर है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दो प्रोसेस, मतलब दो चीज होंगे, या फ्री लिविंग होंगे या सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग होंगे या सिम्बायोटिक। ठीक है, तो देखिए फ्री लिविंग इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी होगा फ्री लिविंग में, उसमें एग्जांपल है आपका ऑसिलेटोरिया, और इसमें जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला है, सिम बस लिख दे रहा है, स्पेस नहीं है, आपको समझ जाना है, वो होता है एनाबिना एंड नॉस्टार। जैसे कि आप जानते हैं एनाबिना जो होता है वो आपको साइकस और एजोला में पाया जाता है, जबकि हमारा जो नॉस्टार होता है वो एंथोसिरास में पाया जाता है, और एक एग्जांपल और गोनोरोहिया, वो उसमें भी हमारा नॉस्टार पाया जाता है। अब बैक्टीरिया में हम जानते हैं इसमें भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले और फ्री लिविंग वाले। ठीक है, फ्री लिविंग वाले बैक्टीरिया को देखते हैं। देखिए फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होती है वो एरोबिक और एनोरोबिक कंडीशन में, दो कंडीशन बन सकता है कि एरोबिक कंडीशन में क्या उसका कंडीशन है और सिम्बायोटिक में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया में हमारा एरोबिक कंडीशन में एजोटोबैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे नीट एग्जाम के लिए। इसे पूछता है फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो आपको लगाना है एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरम। ठीक है, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरम हमारे फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के मतलब एग्जांपल है बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एरोबिक कंडीशन में फर्दर दो कंडीशन होता है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में हमारा एग्जांपल है रोडोसिडोमोनास और रोडोस्पाइरम, और नॉन फोटोसिंथेटिक में आपका क्लास्ट्रिडियम और मेथनोकोकस। मेथनोकोकस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, और इसमें रोडोसिडोमोनास और रोडोस्पाइरम। ठीक, तो ये हमारा फ्री लिविंग वाला हो गया। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन को एक बार हम यहाँ पे अच्छे से लिखें, वहां पे स्पेस कम है। तो जैसा कि जानते हैं राइजोबियम
राइजोबियम जो है वो लेग्यूम प्लांट पे, लेग्यूम प्लांट पे बेसिकली जिसको फेबिएसी फैमिली बोलते हैं, वो उस पे हमारा राइजोबियम क्या करता है, क्या करता है, अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। उसी तरह से पैरास्पोनिया एक है, पैरास्पोनिया पोनिया है, वो भी हमारा लिग्यूम प्लांट पे करता है। ये बेसिकली मैं इसलिए पूछा, मतलब इस एग्जांपल को लिखा हूँ कि ये एग्जांपल देखिए, सबको पता है कि राइजोबियम पे, लिग्यूम पे राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन का शो करता है, लेकिन अगर पूछे नॉन राइजोबियम लेग्यूम पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो हो जाएगा पैरास्पोनिया। ठीक है, अब हमारे पास नया आता है ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम जो होता है वो हमारा बेसिकली सोयाबीन जो होता है उस पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को करता है, और फ्रेंकिया जो होता है, फ्रेंकिया वो एलनस और केजुराइना और एक मेरिका है, उस पर आपको याद नहीं रखना है, एक मेरिका प्लांट करके है, उस पर भी फ्रेंकिया आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो हम जो क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन शो करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, जिसको बोलते हैं डाई एजोट्रॉप्स। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं डाई एजोट्रॉप्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाई एजोट्रॉफी। ठीक है, तो ये हमने अपना ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। आप दूसरा प्रोसेस देखे थे हम लोग, कि जो प्लांट और एनिमल्स के डेड एंड डिकेइंग पार्ट है उससे कैसे हम अपना ये अमोनिया का प्रोडक्शन या प्लांट या नाइट्रोजन उससे कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाला प्रोसेस एक बार देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है एनिमल या प्लांट्स का, उसमें प्रोटीन आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजन एज ए मॉलिक्यूल काम करता है। तो इनका क्या होता है, इनका डिग्रेडेशन होता है, या इनको बोल सकते हैं आप इनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ये एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, प्रोटीन आरएनए और डीएनए का अमोनिफिकेशन होगा तो अमोनिया या अमोनियम आयन बनेगा। लेकिन आपको पता है अमोनिया जो होता है, अमोनियम आयन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो प्लांट में ऐसे कैसे पड़ा रहता है। तो इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है प्लांट के एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो प्लांट का एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, नाइट्रेट है। ठीक है, अब उस इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले एक बात और यहाँ देख लेते हैं, अमोनिफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली कराता है हमारे तीन फेमस बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक हैं, वो होते हैं बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बल्गेरिस और बैसिलस माइकोइडिस। ये तीन बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, अब इस हमारे पास आफ्टर अमोनिफिकेशन अमोनियम आयन हमारे पास बन गया, अब ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्रेट आयन के फॉर्म में। अब ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप रिएक्शन होती है, उसको पहला जब अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखने पड़ेगा कि नाइट्रोसोफिकेशन जो होता है वो दो बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्राइज नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है वो होता है नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्राइज नाइट्रेट कन्वर्जन के प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब ये नाइट्रेट हमारे पास बन गया, ये नाइट्रेट क्या होता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है प्लांट्स का। ठीक है,
ये यहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये प्लांट एब्जॉर्ब भी कर सकता है। यहाँ से एक और प्रोसेस होता है कि नाइट्रेट को नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर, नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कराने वाले बैक्टीरिया होते हैं आपके बैसिलस सबटेलिस, जो एरोबिक कंडीशन है, ये बेसिकली एनएरोबिक कंडीशन है, लेकिन बैसिलस सबटेलिस एरोबिक कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन करवाता है। बाकी सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके एनएरोबिक कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। उसमें आता है आपका सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस और माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया जो होते हैं एरोबिक कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन करवाता है। डीनाइट्रिफिकेशन बेसिकली क्या है, नाइट्रेट को अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नाउ फर्दर मूव, अब नाइट्रेट को क्या हुआ, नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया। अब नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर लिया तो नाइट्रेट डायरेक्ट प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है फिर से अमोनियम आयन में। तो ये कन्वर्जन भी आपका टू स्टेप प्रोसेस है। जो प्लांट में पाए जाने वाले दो एंजाइम होते हैं, नाइट्राइट रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, दो एंजाइम यूज करके अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट को। तो देखिए अब क्या होता है, नाइट्रेट हमने प्लांट को एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में हमारा क्या है, नाइट्रेट आयन है। अब उस नाइट्रेट को कन्वर्ट किया जाएगा फर्दर नाइट्राइट आयन में। अब देखिए नाइट्रेट का नाइट्राइट में रिडक्शन हुआ, प्लस 5 से प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेज में गया है, तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम यूज हुआ, ठीक है। अब इस नाइट्रेट को फर्दर अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा तो प्लस 3 से माइनस 3 में जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज। ये नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट का रिडक्शन हुआ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू, तो अमोनियम आयन बना है, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पे कि नाइट्राइट जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, ये साइटोप्लाज्म में जैसे बनता है इसको उठा करके प्लास्टिक में भेज दिया जाता है तुरंत, और वहाँ पे प्लास्टिक में पाया जाता है नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम जो कन्वर्ट कर देता है अमोनियम। अब ये अमोनियम आयन ग्लूटामेट से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट सिंथेस 1-ATP यूज करेगा और ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस ग्लूटामिन इज रिएक्ट विद द 2-ऑक्सीग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ गो कैट एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन टेकन बाई रिड्यूस फेरेडॉक्सी एंड कन्वर्ट ग्लूटामिन इंटू 2 मॉलिक्यूलर ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास 2 ग्लूटामेट आ गए, और ये फर्दर प्रोसेस जो ग्लूटामेट है वो फर्दर डिफरेंट अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। इस तरह से हमारा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलता है। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हमने एक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को समझा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी जगह पर आपको अगर टॉपिक क्लियर नहीं, तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं उसका जवाब पक्का दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।